कितनी देर में आधा एक घंटे बाद इंटरवल है। मायसेल्फ आनंद शुक्ला एंड मैं इस फिल्म का प्रोड्यूसर हूँ लाइफ इज़ गुड का। सर क्या है, किस तरह की मूवी है और क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्टार कास्ट है? कॉन्सेप्ट बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। एक 6 साल की बच्ची और 40 साल के आदमी की कहानी है। एक 40 साल का आदमी है जो जिसकी माँ का निधन हो जाता है और वह यह सोच करके वो सुसाइड करने जाता है कि मेरी माँ के सिवा और कोई नहीं था इस दुनिया में और अभी मेरी माँ चली गई, अब मैं कैसे इस जीवन को यापन करूँ। और अचानक उसकी लाइफ में एक 6 साल की बच्ची आती है और वो मरना छोड़ करके जीना चालू कर देता है उस बच्ची को लेकर के, और वहीं से उनकी दोस्ती स्टार्ट होती है। और कैसे हमने इस फिल्म में दिखाया वो जब आप फिल्म को देखेंगे तब आपको पता चल पाएगा। सर छोटी सी बच्ची पर पूरी फिल्म केंद्रित है, जैसे बजरंगी भाईजान की अगर बात करें कहीं ना कहीं एक स्टोरी एंगल है, और इस तरह की फिल्में आजकल कितना बेस है और कितनी मार्केटिंग कर पाती है? बजरंगी भाईजान के साथ मैं कंपेयर नहीं करना चाहूँगा इस फिल्म को, ये थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का इसको हम कह सकते हैं। जो हमारे राइटर हैं सुजीत सेन साहब, जिन्होंने अर्थ, सारांश, हमें राही प्यार के ऐसी फिल्में लिखी हुई हैं, उनकी कहानी है और उनके जीवन से जुड़ती हुई ये कहानी है। उनकी उनकी उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से उन्होंने यह कहानी लिखी थी। और सुजीत सेन साहब ने जब ये कहानी लिखी थी उसके बाद में हमने उनसे राइट्स लिए और इस फिल्म को बनाया। तो बजरंगी भाईजान को मैं इस फिल्म से कंपेयर नहीं करना चाहूँगा, वो एक अलग कहानी है, यह एक अलग कहानी है। स्टारकास्ट की बात करें, स्टारकास्ट में मुख्य रूप से जैकी श्रॉफ हमारे लीड कैरेक्टर हैं और बच्चियां हैं जो 6 साल की हैं, 12 साल की है और 21 साल की है। वही एक बच्ची है जो बड़ी होती है। और साथ में सपोर्टिंग में हमारे साथ में दर्शन जरीवाला और मोहन कपूर, रजत कपूर और भी बहुत सारे कास्ट में हैं। म्यूजिक की बात करें, किस तरह का म्यूजिक है इसमें? म्यूजिक भी बहुत ही प्यारा म्यूजिक है इसका, आप लोग जब देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से समझ सकेंगे। म्यूजिक डायरेक्टर हमारे अभिषेक रे, जिन्होंने पान सिंह तोमर और भी बहुत सारी फिल्में दी हैं। और सिंगर्स में मैं आपको बताना चाहूँगा, आशा जी हैं हमारे साथ में और श्रेया हैं, शान हैं, और एक प्रमोशनल सॉन्ग है जो मिक्का ने गाया हुआ है, मिक्का सिंह ने। तो म्यूजिकल भी हमें बहुत ही अच्छा हमारे पास में कलेक्शन है जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं और सिंगर्स हैं। सर ये प्रेशियो अपने आप में कुछ अलग प्रेशियो है, इसमें कोई डायरेक्टर हीरो नहीं है, सब आपने एक आम सीओ की तरह लोगों को बुलाया है, सब तरह के लोग हैं, फैमिली के भी हैं, कुछ मीडिया वाले भी हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में यही एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं कि हमेशा जब प्रेस शो करते हैं या कोई स्पेशल स्क्रीन रखते हैं तो उसमें लोग स्टार कास्ट को और तमाम लोग आते हैं, लेकिन इसमें एक अलग तरह के कुछ चुनिंदा हमने इस पे, जैसे फैमिली ऑडियंस हैं, आप देख रहे होंगे कुछ बच्चे हैं और कुछ मीडिया के जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो हर हफ्ते कई फिल्में देखते हैं, जो फिल्म देख देख करके मतलब पक जाते हैं, एकदम बोर हो जाते हैं ऐसी फिल्म, तो उन लोगों से जो एक अच्छा रिव्यू मुझे मिलेगा और सही मार्गदर्शन उनके द्वारा मुझे मिलेगा, ऑडियंस के द्वारा मिलेगा, इसलिए मैंने इस तरह का प्रेस रखा हुआ है। इससे पहले कितनी फिल्में आप देख चुके हैं बॉलीवुड में? देखिए बॉलीवुड में मेरा यह पहला फिल्म है, कितनी फिल्में मैं नहीं दे पाया हूँ अभी तक। मैं कोशिश करूँगा आने वाले वक्त पे बहुत सारी फिल्में बनाऊँ, बहुत सारी फिल्में दूँ, लेकिन ये मेरी पहली फिल्म है। कब तक सर फिल्म रिलीज होगी? फिल्म रिलीज का प्रोसेस देखिए अभी कंटिन्यू है, मैं डेट अभी नहीं बता सकता हूँ आपको, शायद नेक्स्ट जब मुलाकात हो उसमें मैं डेट बता दूँ, लेकिन मिनिमम टू टू थ्री मंथ्स में हम इस फिल्म को रिलीज कर देंगे। फिल्म के प्रमोशन को लेकर क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? फिल्म के प्रमोशन को लेकर के बहुत सारी तैयारियाँ हैं, लेकिन कुछ जिस तरह का अभी आज के समय पर चल रहा है मार्केट में उससे थोड़ा हट के हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्रमोशन भी अच्छे से करेंगे क्योंकि मैं काफ़ी वक्त इसमें लगाया मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिसिटी में, तो बहुत बहुत टाइम लगा करके उसको प्लान किया है, फाइनल किया है, तो वो भी अच्छे से ही करेंगे।